और जैसा कि फीडबैक मिला है आप सबने देखा होगा, और व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ हरियाणा में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी ने बहुत कोशिश करी जम्मू कश्मीर के अंदर, तरह तरह की सियासी चालें चली हैं, लेकिन वहाँ पर भी मुझे लगता है कि स्पष्ट बहुमत हमारे अलायंस को मिलेगा। कुछ पर्दे के पीछे, कुछ पर्दे के सामने बहुत सारे सियासी खेल खेले गए, लेकिन वहाँ के लोगों ने 10 साल बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें मुझे लगता है कि जम्मू के संभाग के लोग भी और कश्मीर के भी सब लोग मिलकर कांग्रेस एनसी के अलायंस को बहुमत देंगे और दोनों राज्यों में हम लोग सरकार बनाएंगे। ये जो चुनाव हुए हैं दोनों जगह, ये बदलाव के चुनाव हैं। जम्मू कश्मीर में गवर्नर साहब के माध्यम से ही केंद्र सरकार और बीजेपी अपना शासन चला रहे थे, कि लोगों ने बदलाव को वोट दिया है, अच्छे प्रतिशत में मतदान हुआ है, वोट परसेंटेज हाई हुआ है, और मुझे लगता है कि हम लोग दोनों स्टेट्स में अच्छा सरकार बनाने में अपनी कर पाएंगे। और जहाँ तक कौन नेतृत्व करेगा उसका चुनाव प्रक्रिया है हमारी पार्टी में, कि विधायक दल की मीटिंग होती है, अब जब दिल्ली से जाते हैं अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को देते हैं और सेंट्रल लीडरशिप विधायकों की सलाह के बाद निर्णय करते हैं कि कौन हमारे विधायक दल का नेता बनेगा।